2005 के पहले जिनका शासन बिहार में चल रहा था, हत्या अपहरण लूट बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी, अब फिर से वही दिन वापिस होता हुआ दिख रहा है। शिक्षक हैं उस छात्र के पिता, उनसे बड़ी राशि फिरौती के रूप में मांगी गई है। उस विद्यार्थी के व्हाट्सएप मैसेज, उस विद्यार्थी के मोबाइल से ही व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है। सीएम नीतीश कुमार से अलग होने का आज राज खोल दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा के दौरान वो जमुई में पहुंचे। जमुई में पहुंचने से मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो उन्होंने फैसला लिया है सीएम नीतीश से अलग होने का, उन्होंने सही फैसला लिया है। 2005 से पहले जो उनकी सरकार थी, उनकी सरकार अगर आज आ गई है तो देखिए आपराधिक घटनाएं किस तरीके से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज राजधानी पटना में सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे को उठा लिया जाता है, इससे पहले राजधानी पटना में ही डॉक्टर को भी उठा लिया जाता है। ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही है वो 2005 के पहले भी होती थी। तो अगर मैंने ये फैसला लिया था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, आरजेडी और जेडीयू के साथ आने के बाद अगर सीएम नीतीश से मुझे अलग होना पड़ा है, तो मैं इस फैसले पर आज आपको सही सही बता रहा हूं कि मैंने ये क्यों लिया और मुझे क्यों ये सही लग रहा है। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, हम छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। आप राज्य की जिस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम और हमारे साथियों ने 20 फरवरी को तय किया कि राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हम करते हैं और उसके उपरांत हम निकल पड़े हैं लोगों के बीच में। बीस फरवरी और उसके एक दिन पहले बिहार की जिस राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करके हम लोगों ने पार्टी का गठन किया, वह परिस्थिति दिनानुदिन और गहरी होती जा रही है। हमने बिहार की जनता को फिर से 2005 की स्थिति में नहीं लौटे राज्य, इस बात के लिए आग्रह करने, समर्थन मांगने, बिहार के लोगों से हम इस काम से, इस यात्रा में निकले हैं। लेकिन उस दिन और आज की परिस्थिति में भी बहुत अंतर है। जो आशंकाएं थी और गहरी हो रही है। 2005 के पहले जिनका शासन बिहार में चल रहा था, हत्या अपहरण लूट बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी, अब फिर से वही दिन वापिस होता हुआ दिख रहा है। अब पटना में आज भी एक छात्र के अपहरण की खबर है और शिक्षक हैं उस छात्र के पिता, उनसे बड़ी राशि फिरौती के रूप में मांगी गई है। उस विद्यार्थी के व्हाट्सएप मैसेज, उस विद्यार्थी के मोबाइल से ही व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है। अब इस तरह से फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण फिर से शुरू हो गया है। अभी 2-4 दिन पहले आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक डॉक्टर का अपहरण हुआ। तो हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर की का सिचुएशन रोज बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि 20 फरवरी के बाद और ज़्यादा ही स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जो हम सब लोग देख भी रहे हैं। हत्या तो हर जगह इस तरह से हो रही है जैसे कोई अंकुश हो ही नहीं प्रशासन का। तो पुराने दिनों में फिर से बिहार न लौटे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी का गठन हमने किया और जिस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं, यह विरासत नीतीश कुमार जी के हाथों में थी अभी के पहले तक।
लेकिन पूरी विरासत को नीतीश जी ने राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया और तब से ही स्थिति बिगड़ने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो गठबंधन हुआ जेडीयू का, बगैर पार्टी के किसी भी नेता साथी के बीच चर्चा किए हुए डील की गई और उस डील के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में पूरी पार्टी को समर्पित कर देना डील का एक हिस्सा था। पूरे राज्य को आरजेडी के हवाले कर देना डील का एक हिस्सा था और उसके हिसाब से माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपना फरमान जारी किया, जिसका परिणाम इस रूप में है। बिहार के लोगों को यह बात कभी नहीं पसंद हो सकती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कथित डील के अनुकूल नीतीश कुमार जी के फरमान के हिसाब से बिहार को फिर से उन्हीं हाथों में सौंप दिया जाए, बिहार के लोग कभी इसको पसंद नहीं करेंगे।